से मेरी मैं रहता शेर सिंह इनक्लेव में 3 नंबर गली में हूँ। वहाँ पे मेरी एनजीओ है फिजिकली हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की ये है सर कि ये रोड जो है बहुत खराब है। जब भी हम लोग आते जाते हैं कोई ना कोई कभी पानी में कचरा में चला जाता है, कीचड़ लग जाता है उसको, कभी कोई उसमें गिर जाता है, कभी किसी के पैर में गिरने के कारण मौत आ जाती है। तो ये सब रोड ठीक नहीं है, अगर ये इन सब का समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा होगा सर। इसको लेकर शिकायत की हुई है कई बार लोगों ने? हाँ, इनको इसको लेकर के विधायक जी के पास और जो यहाँ के पार्षद है उनके पास लोग गए थे, हमारे एनजीओ के लोग। अच्छा जी, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम देवराज आर्या है। आर्या साहब ये बताएं कहाँ खड़े हैं, समय कहाँ मौजूद और क्या समस्या है यहाँ पर? मैं ये गली नंबर 3 के पास खड़ा हूँ, सेटिंग क्लेम में। हमारा यहाँ एनजीओ है, हमारे एनजीओ में 15 ब्लाइंड बच्चे रहते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। और यहाँ पर ये मेन समस्या यही है कि यहाँ की रोडें टूटी हुई हैं। ये गली में आते समय हमारे बच्चों को चोट लग जाती है, कोई पानी में गिर जाता है। हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों की सुविधा के लिए ये रोड यथाशीघ्र ठीक से हो जाए। कब से समस्या बनी हुई है ये? कल करीब जो है, हम तो अभी यहाँ साल भर से हैं और ये टूटी फूटी है ही है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 15 बच्चे हैं। सभी ब्लाइंड है? हाँ जी, सभी ब्लाइंड है, हैंडीकैप में सभी। अच्छा। और ये इनको चोट लग जाती है, कई बार गिर जाते हैं पानी में। तो उसको लेकर जनप्रतिनिधियों को कोई सूचना दी है, शिकायत? हाँ, यहाँ की जो कमेटी है WRO, उन्होंने कई बार जो है जाकर के उनको शिकायत की है। अच्छा। कई बार हमारे बच्चे भी गए। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी आप लोगों के सहयोग से जल्दी ठीक हो। मेरा नाम देवराज आर्या है, ये गली नंबर 3 के पास खड़ा हूँ, सेटिंग क्लेम में। हमारा यहाँ एनजीओ है, हमारे एनजीओ में 15 ब्लाइंड बच्चे रहते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। और यहाँ पर ये मेन समस्या यही है कि यहाँ की रोडें टूटी हुई हैं। ये गली में आते समय हमारे बच्चों को चोट लग जाती है, कोई पानी में गिर जाता है। हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों की सुविधा के लिए ये रोड यथाशीघ्र ठीक से हो जाए। कब से समस्या बनी हुई है ये? कल करीब जो है, हम तो अभी यहाँ साल भर से हैं और ये टूटी फूटी है ही है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 15 बच्चे हैं। अच्छा, सभी ब्लाइंड हैं? हाँ जी, सभी ब्लाइंड हैं, हैंडीकैप में सभी। अच्छा। और ये इनको चोट लग जाती है, कई बार गिर जाते हैं पानी में। तो उसको लेकर जनप्रतिनिधियों को कोई सूचना दी है, शिकायत? हाँ, यहाँ की जो कमेटी है WRO, उन्होंने कई बार जो है जाकर के उनको शिकायत की है। कई बार हमारे बच्चे भी गए। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी आप लोगों के सहयोग से जल्दी ठीक हो। विद्या शेर सिंह के लिए 3 नंबर गली के पास खड़े हैं जी। क्या समस्या है? ये जी रोड के सबसे पहले तो हम बहुत परेशान हैं, और फिर हमारे नाले भी ये पानी नहीं जा रहा, सब पूरे कॉलोनी में ही भरा पड़ा है। हमारे घरों तक भी सारे दराज आ गए, घरों में पूरे दरार आ गई, पूरे घरों में पानी की निकासी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत परेशान हो रहे इस टाइम, पूरी कॉलोनी परेशान है। 2-3 बार हम मेंबर उसके पास भी जा लिए, अध्यक्ष के पास भी, वो भी मना कर दे, कभी कहता आ रहा हूँ, कभी कह रहा करवा रहा हूँ, आते कोई नहीं है, कोई नहीं आता एक बार भी। आप अपनी आसपास हरियाली चाहते हैं तो आप पूरे भारत में कहीं भी नेचुरल लॉन ग्रास लगवाने के लिए PNP एंटरप्राइजेज इंडिया से संपर्क करें। सिलेक्शन नंबर 1 बरबोरा, नीलगिरी, मैक्सिकन, कोरियन आदि कई तरह की सुंदर प्राकृतिक घास फार्म में तैयार की जाती है।